नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज। मैं आपके साथ विजय। तो चलते हैं बड़ी खबर। सीवर समस्या को लेकर पार्षद ने क्षेत्रीय लोगों के साथ दिया धरना। सीएम योगी को पत्र लिखकर समस्या से कराया अवगत। पार्षद का आरोप, केडीए ने भ्रष्ट अधिकारियों ने अधूरे काम का डिप्टी सीएम से कराया लोकार्पण। विश्व बैंक कॉलोनी की करीब 1 लाख सीवर समस्या से हैं परेशान। पार्षद अर्पी यादव ने कहा, सीवर लाइन शुरू नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन धरना रहेगा जारी। बर्रा विश्व बैंक पानी की टंकी के पास जारी है पार्षद का धरना। भैया, आज किस चीज को लेकर प्रदर्शन किया गया? विश्व बैंक कॉलोनी के अंतर्गत 16,96,00,000 रुपए से केडीए के द्वारा नई सीवर लाइन डालने का कार्य प्रारंभ किया गया था, और जिसको कार्य पूरा भी नहीं हुआ था और इन्होंने लोकार्पण उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा करा दिया था, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा की गई थी। तो इन्होंने जाँच पे खामियाँ पाई, जिसके चलते काम शुरू किया। कुछ दिन करने के बाद फिर बंद कर दिया। लगातार हम लोग परेशान हैं, क्षेत्रीय जनता पूर्णतया परेशान है। सीवर लाइन अभी तक चालू नहीं हो पाई है। लोगों के घरों में सीवर भरा हुआ है, जिसके चलते मेरे द्वारा पिछले 1.5 माह पहले केडीए प्रांगण में मैंने धरना प्रदर्शन किया था। मुझे आश्वासन दिया गया था कि काम चालू करा देंगे। आज जब 2 महीना गुजरने के बाद अभी तक नहीं शुरू हुआ, तो समस्त क्षेत्रीय निवासियों के साथ विश्व बैंक कॉलोनी की सीवर समस्या को दृष्टिगत रखते हुए आज हम लोगों ने यहाँ पर धरना दिया है। जब तक सीवर लाइन का कार्य प्रारंभ नहीं हो जाएगा, तब तक ये हम लोग यहाँ पर तत्परता से बैठे रहेंगे धरना। क्या अभी तक कोई अधिकारी आया नगर निगम? अभी नगर निगम का चूँकि प्रकरण नहीं है, ये कानपुर विकास प्राधिकरण का प्रकरण है। तो अभी LIU की टीम ACM साहब के द्वारा बातचीत हुई थी, मैंने उनको जानकारी दे दी है कि हम जब तक नहीं हटेंगे जब तक इस समस्या का निदान नहीं हो जाएगा। मैंने कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी अपना ज्ञापन भेजा था, वहाँ पर शिकायत दर्ज कराई है। अगर इसके आगे सुनवाई नहीं होती तो क्या करेंगे आप लोग? अभी तो धरना अनिश्चितकालीन है, यदि आगे सुनवाई नहीं होगी तो आमरण अनशन पर तब्दील होगा धरना। ठीक। इंडियन प्राइम न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट।